चैनल। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। हनी पांडे फैमिली लॉक्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग जा रहे हैं गुड़गांवा बाय ट्रेन। तो हम लोग किस लिए जा रहे हैं मम्मा गुड़गांवा? हम जा रहे हैं गुड़गांवा क्योंकि जो मेरा भतीजा है यानी कि मेरे भाई का बेटा, उसका जनेऊ है। जनेऊ जो पहाड़ी लोग हैं या जो पूर्वांचल के लोग हैं उनके उधर होता है, वो लोग जानते होंगे बखूबी कि जनेऊ कार्यक्रम क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वहाँ जाके आपसे बात करवाएंगे उन लोगों की भी। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे साथ आज हमारा ट्रैवल व्लॉग भी होगा, आप हमारे साथ भी चलिए। तो मिलेंगे ट्रेन में। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम बैठ चुके हैं बस में और हम जा रहे हैं पालम रेलवे स्टेशन की तरफ। तो हम बस के मज़े लेते हुए यहाँ पे, तो आप लोग भी देखिए और हमने जहाँ तक हम कैप्चर कर पाए हमने किया, क्योंकि डर भी लगता है फ़ोन वगैरह उठाने में, हाथ में लेने में ट्रैवल करते टाइम। तो इसी वजह से थोड़ा सा मैं कम ही रिकॉर्ड कर पाई। फ्रेंड्स फाइनली हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं गुड़गांवा की तरफ। तो हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा आज हम बहुत टाइम बाद ट्रेन में आए हैं। तो थैंक गॉड हमारी ट्रेन लेट नहीं थी, हम टाइमली पहुँच गए यहाँ पे। तो मिल लेट थी, बहुत लेट थी जो बहुत देर से वेट कर रहे थे उनके लिए काफ़ी लेट थी, बट हमारे लिए लेट नहीं थी, तो हमारे लिए गुड न्यूज़ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे मम्मी के साथ अपनी। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, बाय बाय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं गुड़गांवा फाइनली, और आप देख सकते हैं ट्रेन की आवाज़, आपको सुन रहा होगा ट्रेन की आवाज़। तो हम लोग अब पहुंच चुके हैं गुड़गांवा रेलवे स्टेशन। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देती हूँ नज़ारा ट्रेन का। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रेन चल चुकी है आगे की तरफ जो कि ये रेवाड़ी जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, रेवाड़ी स्टेशन लिखा है आपको। तो और ये बंद पड़े हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा है। और इस बार हम बहुत टाइम बाद आए हैं और भीड़ बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है जो कि पहले होती थी। तो कोविड के चक्कर से हो सकता है यहाँ पे भीड़ नहीं है। तो देखिए पांडे जी हाय कर रहे हैं आपको। हनी पांडे जी हाय कर दो फ्रेंड्स को। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं बाद में। तो फ्रेंड्स ये है मेरी मम्मी और हम आ गए और अब हम मिल रहे हैं मम्मी से, और ये पीछे मेरी भतीजी है। मेरी मम्मी हाय कर रही है आप सभी को। तो आगे अब मिलेंगे अपनी ताई से, जो कि है मेरी ताई जी, मेरी भतीजी है, इनको भी मिल लीजिए आप लोग। और आगे अब चलते हैं अपनी ताई को मिलवाने आपसे। तो ये है मेरी ताई जी, जो कि मेरी बड़ी ताई जी हैं, वो गाँव से आई हुई हैं। तो वो भी आपको हाई कर रही हैं, तो मिल लीजिए आप लोग भी। और ये है इनकी प्यारी सी चंपा, जो मेरी मम्मी और ने पाली हुई है, ये है इनकी प्यारी चंपा। और ये चंपुली कहते हैं लोग इनको, ये लोग चंपुली बोलते हैं इसको। तो ये भी देख रही है कि कौन आए नए दो मेंबर, तो देख लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मेहंदी लगाने की तैयारी हो चुकी है और यहाँ पे बच्चों ने कीप्स वगैरह रख दी हैं, जो कि अब पहली मेहंदी देखते हैं किससे स्टार्ट होती है। तो उनसे भी मिलवाएंगे हम आपको, जो कि हैं जिनका जनेऊ होने वाला है वही वाले भैया जी हमारे। तो उनसे भी गाइस कैसे आप सभी, उनसे भी मिल लीजिए। इनका नाम है सौरभ भट्ट जी, ये भट्ट जी हैं, तो इनसे मिलिए। और इनकी ये चंपा भट्ट जी हैं, चमेली हैं ये हमारी। तो देखिए, और देखिए ये हमारी एक छैल छबीली बच्ची तासु जी, तान्या भट्ट। खाना खा लिया आपने? ठीक हो? और ये इनके फादर साहब तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेहंदी लगने वाली है, लग रही है सॉरी। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मेहंदी लग रही है, जो कि आप लोगों को पता ही होगा कि हनी बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती है। तो यहाँ पे हनी अपने भैया जी को मेहंदी लगा रही है, शुरुआत इन्हीं से हो रही है क्योंकि इन्हीं का जनेऊ है। तो किसी का जनेऊ थोड़ी होगा, तो इन्हीं से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग।
तो देखिए कितनी प्यारी मेहंदी लगाएगी हनी अभी। हनी क्या बना रहे हो? मैं यहाँ पे बनाने वाली एक छोटा सा सर्कल, मतलब फ्लावर टाइप सा, और अंदर भैया जी का नाम लिखने वाली। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स अभी ये लोग लगा रहे हैं मेहंदी, और यहाँ पे भी एक तानिया बहन जी हमारी, तानिया भट्ट जी, ये तानिया भट्ट जी हैं, वैसे बजाती हैं लठ तो ये लगा रही हैं अपने हाथों में मेहंदी। तो जब ये कंप्लीट होती है फ्रेंड्स तब आपको मैं दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये है मेरी ताई जी जो आई हैं गांव से स्पेशली इस जनेऊ के लिए। तो मिल लीजिए आप लोग भी, मिलिए, बोलिए ताई जी कुछ आप बोले। हाँ, एक गाना सुना दो अच्छा सा। हम गांव से आए हैं, मेरी नाती का जनेऊ है, मेरी लड़के भी आएंगे, सबके साथ मुलाकात भी हो जाएगी, और सब लोग हम मिलजुल के यहाँ शुभकामना में आए हैं। मेरे बच्चे भी आ रहे हैं कल, थोड़ा ऊंचा बोलो ना। और जोर से। हाँ। और हम पहाड़ी लोग ठहरे, ज़्यादा पहाड़ी जानते हैं हम, हिंदी कम जानते हैं, और जोले साथ हम नाचते हैं, और सब मिलजुल कर हम शाम को हम नाच गीत भी गाएंगे, महिला संगीत भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। और बताओ हनी ने क्या क्या करा आज? हनी ने आज हमारे जो बटुआ है उसको मेहंदी भी लगाई, अपनी मम्मा को भी लगाई, अभी और बच्चों को भी लगाने हैं, और बच्चे भी आ रहे हैं, सबको लगाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे बाद में, तब तक के लिए आप सभी को हमारा ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो प्लीज़ क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे भैया जी का भी चैनल है, भैया जी हाय कर दें। हेलो फ्रेंड्स। इनका भी एक चैनल है, क्या किस नाम से है भैया जी? मनी भाई व्लॉग्स। तो इनके भी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।